नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं कमल कौशिक। दलितों का दमन और दलितों से दबक गई वो शब्द हैं जिनमें सरकारें बदलती रही लेकिन बदलती सरकारों के साथ कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन हाँ, चुनाव के वक्त हर बार दलित याद भी किए जाते हैं, मुलाकातें भी की जाती हैं, डिनर भी किया जाता है। बातें तो ये भी है कि हर 5 साल बाद दलित के दरवाजे याद आ जाते हैं, लेकिन दलितों के खिलाफ हो रहे क्राइम को लेकर ना ठोस जवाब सरकार के पास है, ना ही कोई ठोस सुझाव विपक्ष के पास। जी हाँ, हरियाणा में सभी पार्टियां दलित हितैषी होने का दम भरती है। एक बार फिर से दलितों का हमदर्द होने की कवायद छिड़ चुकी है। कहीं डिनर किया जा रहा है, कहीं रात्रि ठहराव हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की इस कवायद में दलितों का हित भला क्या है, ये बड़ा सवाल है। दलित दमन और दबंगई, ये तीन शब्द अमूमन साथ आते रहे हैं। हर पार्टी और हर सरकार के दावे हैं दलितों के हित के उत्थान के, उनके स्थिति में सकारात्मक बदलाव की, लेकिन हकीकत वही ढाक के तीन पात। ये हम नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े जानकारी देते हैं। वाकई एनसीआरबी के आंकड़े डराने वाले हैं। हर साल दलितों के खिलाफ क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। आरोप तो ये भी रहे हैं कि दलित को वोट बैंक के अलावा कभी कुछ नहीं समझा गया। जातिगत समीकरण जब साधे जाते हैं तब कोई दल दलित वोट बैंक को रिझाने की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। हरियाणा में चुनाव करीब है। इनेलो और बीएसपी ने गठबंधन किया है। इनके गठबंधन के अलावा बीजेपी और कांग्रेस भी दम भरती है दलित हितैषी होने का। खुद हरियाणा के मुखिया करनाल में दलित के घर डिनर करने पहुंचे। हिसार के उकलाना में बीजेपी के नेता भी दलित के घर पर खाना खाने पहुंचे। बातें ये भी रही कि नेता खाना खाने के बाद दलित के घर पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष को बीजेपी दलित विरोधी पार्टी लगती है। उनकी ओर से कई मामलों का जिक्र भी किया गया। एससी एसटी अधिकारियों का मामला पिछले दिनों काफ़ी पुलिस मामले ने पकड़ा है, और पहले भी बातें ये होती आई हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस अधिकारी हो, निचले स्तर के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव और शोषण होता आया है। और अभी माननीय हमारे एससी कमीशन की तरफ से भी बात आई थी, उन्होंने भी जांच मांगी है कि कितने कितने कहाँ कहाँ पर एससी एसटी के जो पुलिस के अधिकारी हैं खास तौर पे वो कहाँ लगाए गए हैं। और मोटे तौर पे जो जानकारी निकल करके आई है उसमें यही है कि एट्रोसिटी बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जो उस वर्ग के लोग हैं उनको महत्वपूर्ण पोस्ट पर लगाने की बजाय खुडे लाइन लगाया जाता है। अशोक तंवर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पलटवार में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नहीं नहीं बहुत अच्छी अच्छी जगह पर उनको यहाँ पे पोस्टिंग दी हुई है, और अशोक तंवर को अपना तो याद नहीं आता कि वो दलित हैं तो कांग्रेस ने उनको स्वीकारा नहीं है, और आज तक उनको उनकी मीटिंग में कोई एमएलए नहीं आता, कोई पदाधिकारी नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उच्च वर्ग की पार्टी है, इसलिए वहाँ पर दलितों का सम्मान नहीं है, और उसके साथ मार पिटाई भी की गई है, और उनको तो अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होना चाहिए। पहले अपने आप को सुधारें, पहले अपनी स्थिति को सुधारें पहले, और फिर बाकी बात कर सकते हैं। बहरहाल चुनावी बिसात करीब करीब बिछने को है। सभी पार्टियां सभी फैक्टर पर काम करने में जुटी है। सियासी सांप सीढ़ी बने इस खेल में 2019 में कौन सा दल दलित वोट बैंक को रिझा पाने में कामयाब होगा, ये आने वाला समय साफ करेगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि दलितों के घर खाना खाने या मंच से उनके हितैषी होने का दावों के अलावा ये जरूरी हो जाता है कि दलितों के खिलाफ हो रहे अपराध पर अंकुश लगे, दलित बेटियों को सुरक्षा मिले। कब तक दलितों के पिछड़ेपन को दूर करने, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा? कब तक 5 साल बाद दलित के दरवाजे याद आते रहेंगे? खांसी से संदीप सैनी और चंडीगढ़ से कुमार रमेश के साथ ज्योति सांगवान की रिपोर्ट। देश में दलितों की हालत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है, एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज चल रहे दलित, ऐसा खुद बीजेपी मानते हैं, प्रधानमंत्री मानते हैं, तभी तो उनके जो सांसद हैं या उनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो दलितों के घर जाते हैं और वहां पर खाना भी खाते हैं, लेकिन कई सवाल इस डिप्लोमेसी को लेकर उठ रहे हैं।
बिल्कुल, इस डिप्लोमेसी को लेकर सवाल उठने स्वाभाविक भी है। जिस तरह से सभी पार्टियां दलित हितैषी होने का दम भरती है, क्या दलितों के घर खाना खाना जरूरी है या फिर मजबूरी है? दलित कार्ड जो खेला जा रहा है उसकी हरियाणा में कितनी दरकार है और कितना पास या फेल कौन सी पार्टी हो पाएगी इस वोट बैंक के लिहाज से, इसको लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है, राकेश शर्मा जी है हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस से प्रवक्ता आप है, इनेलू प्रवक्ता अशोक शेरवाल जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता नीलम चौधरी जी हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही दलित नेता अमरजीत सिंह हमारे साथ है, चर्चा है, बहुत स्वागत है आप सभी का। नीलम जी ये बताइए, दलितों के घर डिनर करने के पीछे मकसद क्या है? जी देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी एक नेशन फर्स्ट का लोगो लेके साथ जो चलती है, मतलब हमारे लिए देश पहला है। हमारी जो पार्टी है वो किसी जाति विशेष की नहीं है, किसी धर्म विशेष की नहीं है, सभी की मिलजुल कर बनाई गई एक पार्टी है जो कि सबका साथ सबका विकास के एक मोटो को लेकर चलती है। और रही बात ये जो डिनर पॉलिसी है, ये जो समरसता बोझ है, ये हमारी हमेशा से एक आप कह सकते हैं संस्कृति रही है। हम हमेशा से इस तरह के आयोजन करते रहे हैं और उसमें सभी समाज के सभी लोगों को मिल बैठकर एक साथ बैठकर जो भोज होता है उसे एक दूसरे के अंदर जो दूरियां नहीं, हैं समाज के सभी लोग कहाँ हैं? दलितों के घर ही क्यों? सिर्फ हरियाणा की बात करें, बिरादरी के लिहाज से बात करें, छत्तीस बिरादरी है मैडम, सिर्फ दलितों की बात क्यों होती है? सबका साथ सबका विकास एक तरफ है और दूसरी तरफ है दलितों के घर डिनर, इसके पीछे मकसद बताइए। देखिए, और जहां तक डिनर की बात है वो सभी के घर होते हैं, लेकिन हाँ। जो आप जो न्यूज है वो सिर्फ क्या दलित वर्ग के साथ आप एक विशेष रूप में लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, आपने मुख्यमंत्री जी को कार्यकर्ता जाते नहीं देखा किसी के घर में एकदम से वो डिनर करने जाते हैं? आप नेक्स्ट टाइम इस पे ध्यान रखिए कि वो कहां कहां जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, शायद मैडम देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं, आपकी ही जो योजना है आपकी सरकार की, दलितों के घर प्रवास की योजना है। तीन लोग जाएंगे आपकी पार्टी से, सांसद की बात कर ले, बाकी जो नेता होंगे वो रात्रि ठहराव करेंगे। क्या बाकी किसी भी जाति को लेकर इस तरह की योजना है तो जानकारी दे दीजिए दर्शकों को। जी देखिए, जो एससी एसटी है वो हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमेशा से आगे शिरवाल जी और हमेशा से मालूम है कि वो नाराज हैं आपसे। नहीं नहीं, कतई नाराज नहीं, आप बताइए ना, जो 2014 के इलेक्शन, इस बात का जवाब दीजिए, क्या बाकी जातियों के लिए इस तरह की योजना है या फिर नहीं? जी देखिए, सभी जिस जो भी जाति है सभी के लिए किसी न किसी तरह का एक समान रूप में व्यवहार होता है, लेकिन जो मैंने कहा ना एससी एसटी जो हमेशा से जो थोड़े से इग्नोर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उनका बाकी सभी पार्टियों की तरह एक विशेष ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। और 2014 में उन्होंने हमें जितवाया था और नॉर्थ जितवाया था, बिल्कुल नेचुरली वो हमारे जवाब दे दिया, जितवाया था जी, क्योंकि अशोक शेरवाल जी है। क्या दलित समाज का हिस्सा है या फिर सिर्फ वोट बैंक है आप लोगों के लिए, सारी पार्टियों के लिए, आपकी पार्टी के लिए? ज्योति जी बहुत अच्छा, वोट बैंक है या फिर समाज का कोई हिस्सा? ज्योति जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि दलित समाज भी कोई देश का हिस्सा है या केवल वोट का हिस्सा है। बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, इसमें कोई दोराई नहीं। आजाद भारत के अंदर 70 साल से केवल और केवल दलित वर्ग को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस पार्टी है। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी दलितों के घर खाना खा रहे हैं हमेशा से। मेरी बात प्लीज, मेरी बात, मैं आपसे बात कर लीजिए ना, आपकी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आज दलितों के घर खाना खाया जा रहा है और उसको प्रचारित किया जा रहा है पेपरों में, मीडिया में। ये मैं ये कहूंगा सरेआम सरासर ये दलितों का अपमान है। क्या जाट के घर, क्या यानी के ब्राह्मण के घर, स्वर्ण के घर यदि खाना खाते हैं क्या उसको प्रेस में रिलीज किया जाता है? आज दलितों के घर खाना किया जा रहा है तो उसको प्रेस में रिलीज किया जाता है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज यदि दलितों के घर खाना खा रहे हैं, क्या 70 साल तक दलितों के घर आज तक खाना नहीं खाया? इसका मतलब दलित वर्ग आज तक छुआछात का दंश झेलता रहा? देखिए, कांग्रेस के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर किए जाने की, तो आज ये दलितों के घर खाने की इनको सूझी है, भी करती रही है। आज दलितों के घर में आज खाने की इनको क्या सूझ पड़ी है? साथ साथ बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे। आप लोगों ने तो हालांकि गठबंधन भी किया है, आप लोग भी दम भरते हैं, आप लोग भी दम भरते हैं दलित होने का कारण है। अशोक शेरवाल जी, देखिए सर, कहने से रुका दीजिए, कहने से रुका दीजिए, कहीं ना कहीं आपका जवाब पूरा हुआ, आपका जवाब पूरा हुआ। सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, कांग्रेस भी संविधान को राकेश जी आपको भी मालूम है। सबसे पहले मैं सवाल तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ज्योति जी का, कमल जी का भी, आपने आज यहाँ मुझे बुलाकर समय दिया। और मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल तो आपने लिया ही नहीं सर।
सवाल मेरा ये है कि जो बीजेपी फिलहाल कर रही है डिप्लोमेसी, कांग्रेस क्या कहती है? दूसरा सवाल सर, आपके जो अध्यक्ष हैं फिलहाल, जब वो अध्यक्ष नहीं थे 2014 में, उन्होंने ये रीत कहीं ना कहीं शुरू की थी उस समय भी, उससे पहले भी ऐसा होता रहता था, लेकिन उदाहरण अब जो बीजेपी के नेता दे रहे हैं, बीजेपी को सलाह दे रहे हैं कि ऐसा मत करें आप हार जाएंगे। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि किसी दलित के घर में जाके उसको बेइज्जती करें? ये तो हमारी संस्कृति है, समरसता। दूसरी बात, और इस पार्टी के, उस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी, वो रोहतक में रात्रि प्रवेश करके दलित वोट आज इस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अमित शाह जी, वो रोहतक में गए, ऐसी चर्चा नहीं हो सकती। वो रोहतक में गए और उन्होंने खाना पैक होके रेस्टोरेंट से आया, ये मीडिया में भी आया, अखबारों में भी आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अमित शाह की, जो कि खाना अगर दलित के घर में तो खाना खाने का तो खाना वहां खाओ। राहुल गांधी एक कुटिया में दलित के घर पे खाना खाने जाते हैं, पानी की बोतल बाहर से मंगवाई जाती है, खाना भी बाहर से मंगवाया जाता है, वो गंदगी भी साफ नहीं होती है, और उसके बाद वो वहां पर गंदगी भी साफ नहीं होती है जो साफ सबूत दिखाता है। और उसके बाद कृष्ण पाल गुज्जर जी फरीदाबाद में रात्रि प्रवास पे रुके, वहां भी खाना बाहर से आया, और जो प्लेटें थी, जो क्रॉकरी थी, उसका स्टिकर तक नहीं उतरे जी। और जैसे वो खाना खाया गया, वो क्रॉकरी भी चली गई वहां से साथ ही। भाई इससे ज्यादा अपमान दलित का क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? आज इन्होंने कहा भी, उन्होंने पिछले हमें इलेक्शन में जिताया, हमने हमारी सरकार बनाई, और अभी नीलम जी ने ये मानी भी बात कि आज दलित हमारे से नाराज है, तो इसीलिए धन्यवादी हूँ बीजेपी का कि कम से कम सोए हुए दलितों को इन्होंने जगाया है। नीलम जी अपनी बात करिए, अशोक जी नीलम जी से जवाब ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं जी? जो दलित है हमारे लिए विशेष वर्ग है, और उसके लिए हमारे संविधान में भी प्रोविजन है, और उन सबका हम उसका ध्यान भी रखते हैं। दलित के घर पर डिनर किया जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, नाकाफी है। और आज भी आरएसएस का ट्वीट आया है नीलम जी, आज भी आरएसएस का ट्वीट आया है, उन्होंने कहा कि आप संपर्क कीजिए, ये खाना वाना ये समझ में नहीं आ रहा आरएसएस के भी, उसके बावजूद भी आपके नेता जा रहे हैं। ये दो सवाल है, प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज्यादा नहीं। जो 81, 82 और 85 अमेंडमेंट थे जिसमें कि हम एससी एसटी की जो बैकलॉग था उसको भरते हैं, और उनके रिक्रूटमेंट में उनको छूट दी गई थी, और प्रमोशन में उनको रिजर्वेशन, ये किसने दी थी? ये भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। आपके जो सांसद है उदित राज, वही सवाल उठाते हैं बैकलॉग को लेकर, आपके सांसद का 4 साल में कुछ नहीं किया, मिली हुई है। आपके सांसद ने कहा है कि नहीं कहा? आपने वो बयान सुना है जो उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर के 4 साल में दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया गया जी, रिजर्वेशन कभी? आपने उस बयान सुना है कि नहीं सुना है? एक दलित सांसद की वो पीड़ा है जी। देखिए जो हमारी पार्टी लाइन है उसमें हम देखिए उसने ध्यान नहीं दिया, उसने कहा मेरी बेइज्जती की है मुख्यमंत्री यूपी ने, देखिए उसने कहा मेरी बेइज्जती की है, मेरे साथ बदतमीजी की है, शर्मा जी रुकिए, अफवाहें जा रही हैं, आपने जवाब अभी पूरा नहीं किया, आपको वक्त देंगे हम, आपको वक्त देंगे, अशोक चरवाल जी आएंगे आपके पास भी, अभी फिलहाल आप रुकिए। बीएसपी का पक्ष जानते हैं, नरेश तारण साहब है हमारे साथ, हरियाणा बीएसपी के प्रभारी, आपके बहुत स्वागत है बड़ी बात में। तारण साहब आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी नमस्कार। नमस्कार, आप लोग कहते हैं कि दलित वोट बैंक जो है वो हमारा है, आप लोग पूरी तरह से जिस तरह से हिमायती बनते हैं दलित वोट बैंक की, अब गठबंधन कर लिया गया इनेलो के साथ, सभी पार्टियां जिस तरह से सांप सीढ़ी का एक खेल खेल रखी है दलितों को लेकर, उस पर क्या कमेंट है आपका? देखिए मेरा कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी दलितों की लड़ाई लड़ती है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ती है, सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है। मेरा कहना इतना है कि ये दोनों पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा करती रही, राजनीतिक ड्रामा, इनके नेता राहुल गांधी जी कलावती के घर गए, ना तो कलावती की स्थिति में कोई सुधार आया, और अलग अलग जगह पर खाना खाते रहे। आज वही उसी मामले को लेकर के यही ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, और ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है, और ये दलितों का अपमान करने का मामला है। तब आप लोग कहाँ होते हैं, उसके बाद चुनाव आते हैं तो मायावती को आप, लेकिन ये लोग जब दलित बेटियों के बलात्कार होते हैं, दलित बेटियों से बलात्कार होते हैं, इज्जतें उठती हैं उनकी, उनकी कुछ सुनाई नहीं करता, उनके घरों में तो कोई जाता नहीं, उनकी सुनने के लिए नहीं जाता, ना कांग्रेस का जाता ना बीजेपी का जाता है, अगर कोई जाता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी के
नेता लोग जाते हैं उनकी आवाज उठाते हैं। नहीं इतना नजर नहीं आया। आज मामला अभी लोकसभा में अटका पड़ा है, प्रमोशन में रिजर्वेशन पड़ा है दलित समाज का और बैकलॉग खाली पड़ा है। ये सरकार अगर ये बीजेपी की सरकार अगर ये दलितों की चिंता करती है तो ये सबसे पहले बैकलॉग जी मैं कह रही हूँ कि बैकलॉग भरा जा रहा है, शायद उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, वो एक हमारी प्रायोरिटी पे है। चार साल हो चुके हैं जी अब तक तो बैकलॉग नहीं पूरा। नहीं नहीं अभी तक नहीं भरा है, जितनी भर्तियां हो रही हैं बैकलॉग में अब तक नहीं भरा है, अब तक तो बदलने हो सकी है, हम संविधान को बदलने रोड में अटकी पड़ी है। ए और बी ग्रेड की करवा दिया हमारा हरियाणा में एक्सेस में है। नीलम जी बोलिए जी। एक मिनट वो बैकलॉग पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हमारे जो हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो ए और बी क्लास है उसमें ऑलरेडी जो उनकी रिजर्वेशन है उससे ज्यादा है। सी और डी में बैकलॉग जो थोड़ा सा होता है उसके एडवर्टाइजमेंट जो चल रहे हैं और वो जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। तो एज फार एज बैकलॉग इज कंसर्न वो हमारे हरियाणा में जो है बहुत अच्छी गति से चल रहा है, सिचुएशन अच्छी है। और जहां तक जो अभी आपने बात की थी कि जो दलितों को किस तरह से जो मायावती जी का इन्होंने कहा था, इनका स्वयं ही जो एक कुछ दिन पहले एक वीडियो आया है जिसमें वो खुद कहते हैं कि हरियाणा में एक विशेष जाति जिसके साथ उन्होंने गठबंधन भी किया है वो दलितों को दबा के रखती है, खुद ज्यादा दबंगई दिखाती है, मतलब वो स्वयं ही उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जी नीलम जी का जो जवाब सुना आपने, आप पर आरोप लग रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की बात है नरेश जी। जी सर जी, आपसे नीलम जी कह रहे हैं कि आपने विशेष जाति से गठबंधन किया है। देखिए विशेष जाति से कोई गठबंधन है, इनेलो सर्व समाज की पार्टी है। और अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, राज्यसभा में एक कश्यप को भेजा गया, एक प्रजापति को भेजा गया। नहीं उन्होंने दलितों के खिलाफ होता है तब आप कहां रहते हैं सर? हरियाणा में ही बात कर लें जी, तब आप कहीं दिखाई नहीं देते। हम दिखते हैं हरियाणा में, आज हमारा यमुनानगर में जेल भरवाना जेल भरवाना आप लोग कहाँ थे? यमुनानगर में जब क्लैश हुआ, गोहाना में जब हिंसा दलितों के खिलाफ, तब आप कहाँ थे? कहाँ कहाँ बीएसपी का नाम निशान वहां नहीं दिखता सर। कहाँ कहाँ पर हुआ हिंसा? कहाँ भी गोहाना की बात कर रहे हैं सर, वो हरियाणा की राजनीति। गोहाना में हम गए हैं, बहुजन समाज पार्टी ने गोहाना में। जी कह रहे हैं कि आप हरियाणा की राजनीति को नहीं जानते। दलित का बेटा गले से पानी नहीं पी पाई कांग्रेस के राज में। मायावती जी की स्टेटमेंट थी और ये सारी है हुआ कांग्रेस के राज में कि वो दलितों पार्टी के सुपेर कांड हुआ। और आखिर भारतीय वादी अगर चुनाव करीब है तो आप लोग भी किसान और कमेरी की बात कर रहे हैं जिसमें दलित को भी साथ लेकर जवाब दीजिएगा। अशोक खेरवाल जी देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा किसानों की, दलितों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, व्यापारी की, हर वर्ग की सड़कों पर उतर करके लड़ाई लड़ी है। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल एक मिशन का नाम है, आंदोलन का नाम है, जो हमारे बीच में गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने एक आंदोलन हमारे बीच में चलाया था, उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। जहाँ तक बात आज दलितों की बात आई है और आज दलित प्रेम जागा है, एक तरफ देखिए सुनिए मेरी बात, प्लीज मेरी बात नहीं पूरी है। आज दलित प्रेम जागा है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में। देखिए सुनिए मेरी बात पूरी नहीं है, आप जहाँ जहाँ बहुजन, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर दलितों के हमारे जितने रहबरा उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ा जाता है। अमर जी के पास छात्र नेता है, कहाँ पर जाता है? दलित नेता है। मैं कहता हूँ अमरजीत के पास आते हैं, अमरजीत क्या लगता उत्तर प्रदेश में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, हरियाणा में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा, कांग्रेस है, लगता है कि आपको कोई पार्टी हितैषी है दलित की? जय भीम सभी को। अभी मैम ने कहा कि वर्तमान की जो केंद्र सरकार है वो दलितों के हितों की बात करती है, राज्य सरकार पिछले 70 साल में आज ऐसी क्या नौबत आई है कि दलितों के घर खाना खाते हैं? हम हमेशा से हमारी प्रवृत्ति कब गए? नीलम जी आप बताइए कब गए ऐसे पहले बताइए जी, हमेशा से ही कब आप गए? कब आपके आज से मारे गए हैं, प्रचारित किया जा रहा है प्लीज, जो ये समरसता भोज है ये हमेशा से हमारी, किसी ब्राह्मण के घर जाते हैं तो प्रचारित करते हैं, ये बताइए मुझे आप। चलिए अमरजीत जी आपका जवाब पूरा कर लीजिए, ठीक है? चलिए अमरजीत का पूरा जवाब ले लेते हैं, आपने जो कहा बीच में टोका, पिछले 70 सालों में ऐसी क्या नौबत आई कि जो वर्तमान की सरकार है या हरियाणा में जो सरकार है वर्तमान में उसको दलितों के घर खाना खा रहा है? मैं सर एक बता रहा हूँ जी,
पूरे भारत में अगर हम बात करें, इन्होंने कहा कि हम प्रतिनिधित्व देंगे, 7 राष्ट्रीय दल हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दें तो जो उच्च पद रहे हैं 6 राष्ट्रीय दलों के, हमें वहां मान सम्मान क्यों नहीं दिया इन्होंने। रही बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसा एक मिनट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखिए 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसमें से एक का जो वाइस चांसलर वो शेड्यूल ट्राइब है, तो वहां एससी एसटी ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते आप? 496 वाइस चांसलर है जिसमें 6 एससी के, 6 एसटी के, 36 ओबीसी के, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? एजुकेशनली हमें कमजोर करके ये दलित राजनीति, दलित डिनर पे ले आए हैं, ऐसी नौबत इन्होंने जानबूझ के की है, ये हमारा अपमान नहीं, ये घोर अन्याय कर रहे हैं। कितनी बड़ी दिक्कत है विद्यार्थी जी, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप हमारे लिए। सवाल आपसे ये है, आप लोग ज्यादा सत्ता में रहे हैं, आपको जानकारी है इस बात की, पब्लिक भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन दलित अभी तक मुख्य धारा में शामिल नहीं, इस बात की जानकारी है हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ दलितों की स्थिति को चुनावी मुद्दे से अलग कभी देखा गया आपकी पार्टी की ओर से? हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने दलित समाज को पूरा मान और सम्मान दिया। हरियाणा में हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, उन पर हमला हुआ और मैं आपको बताता हूँ उन पर हमला हुआ है, मैं जवाब देता हूँ उसको आरोपित कर रहा है, उसका मैं भी आरोपित किया है, जिन पार्टी आपके नेता मानने के लिए तैयार नहीं है उन पर हमला हुआ, जिन पार्टी के लोगों ने वो ऐसा किया था उसकी उनको सजा मिली है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, वो बाकायदा उन्होंने आंदोलन तक किया था, एफआईआर उससे हमला हुआ था कि नहीं हुआ था आपके अध्यक्ष पर जो हरियाणा के हैं? कुछ किसने करवाया था? कुछ शराब करवाया था? आरोप किस पर दर्ज हुए हैं? शरारती तत्वों के लिए किया गया था, आपको पूरी जानकारी है इस बात की? बाकी पार्टियां ये कहते हैं आप अपने दलित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सुरक्षा नहीं दे पाते, तो मुख्य धारा में उनको जोड़ने की बात बहुत की बात। पूरा प्रदेश, आज पूरा प्रदेश डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत हुई है और क्या मजबूत हुई है और अब उनकी सारी रैली में अशोक जी हरियाणा से लाखों की तादाद में जो कांग्रेस का वर्कर गया है वो डॉक्टर अशोक तंवर जी की अगुवाई में गया है। 2 मई को भिंड में महाराष्ट्र में भर्ती हुई है, उस भर्ती में जाति लिखे उसका फिजिकल किया गया, कितनी बड़ी दिक्कत है बताइए, कहां से ये जो दलित की बात करते रिप्रेजेंट आपके सांसद नहीं कहा था, दोबारा से उनका नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम होगा उन्होंने कहा था कि आप जो ये डिनर करते हैं ना घर जाकर दलितों के घर जाकर, तो उसमें हीन भावना आती है दलितों के भीतर, वो अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे घर में इतना जो पूरा एक मंडप सा लगा दिया जाता है, सारे बैठ जाते हैं और बाहर से खाना आता है, तस्वीरें हमने ओकलाना में भी देखी है जी, देखिए रोहतक में खाना बाहर से रेस्टोरेंट से पैकिंग किया है जो उमा भारती और फरीदाबाद में फरीदाबाद खाना लेकर आए, सिर्फ एक मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगी, जो ये हमारा इस तरह के भोजन, हमारी संस्कृति इस तरह की है, अगर हम दलितों के घर जाते हैं तो हम पवित्र होते हैं, तो जैसे उमा भारती जी ने कहा कि उससे भी ज्यादा अच्छा हो कि वो हमारे घर आए तो हम ज्यादा पवित्र होंगे, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी जो है एक दूसरे के साथ रहें। सलाह मशवरा पहले आपने नहीं किया, योजना बनाइए ना, योजना बनाइए, आपने पहले सलाह मशवरा क्यों नहीं किया, आपकी पार्टी ने क्यों नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, वो जो हमारी जो संस्कृति है वो सबके साथ मिलकर, जो मैंने कहा ना समरसता भोज जो है ये सभी के साथ मिलकर समाज में अमर जी अपमान करना भारतीय जनता पार्टी का करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की 70 साल में सकी में आई है कि हम एससी एसटी ओबीसी को ऊपर उठाएंगे, तो आज तक क्यों नहीं उठे हैं? क्यों हमारी प्रेजेंटेशन नहीं? मैम जो बोल रही है ऐसा कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है, जो लोग है वो बहुत उत्पीड़ित है और ये एक इनकी साजिश है दलितों की बात। आपको लगता है क्या बीजेपी की मंशा है ऐसी कुछ की दलितों को घर पे बुलाया जाए, दलितों को खाना बीजेपी और बीजेपी के नेता खिलाएं? ये बहुत बड़ी साजिश है, ऐसा कुछ नहीं, अगर इनको रिप्रेजेंटेशन देना है हमें एजुकेशन दीजिए,
सोशली दीजिए, कल्चरली दीजिए, उसके साथ साथ हमें पॉलिटिकल दीजिए। कहां से देते ये? जब सीट बंटवारे की बात आती तो हमें नहीं दे पाते। तो ऐसा जो राजनीतिक या सामाजिक आर्थिक जो हमारी मजबूती है वो ये क्यों नहीं करते हैं? वो इतनी स्कीमें लेके आते हैं, बीजेपी की सरकार है, मुद्रा स्कीम लेके आई, SC ST को 78,700 के करीब बैंक ब्रांच में से 7,500 जो पब्लिक सेक्टर के ब्रांच है उन्होंने लोन दिया। कितनी बड़ी दिक्कत है, कहते हम बीजेपी कहां से हितैषी हमारे लिए, बताइए क्यों हमारे लोग, क्या सिर्फ 2.5% जो इस आबादी का है जिसको साहब कांशीराम कहते, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, तो 2% ही लोग है क्या हमारे जो बिजनेस कर सकते हैं? नीलम जी, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि आप 40% आबादी ज्यादा गांव की देखते हैं, उसके बाद आपके नेता वहां पर जाते हैं खाना खाने के लिए, वोट बैंक के लिए? पहली बात तो ये वोट बैंक के लिए नहीं है, समाज में जो है समरसता, मतलब सबको क्लोज लाने का एक तरीका। एक मिनट, जो अभी जो बात कर रहे थे कि हमारे जो वेंचर कैपिटल बैंक की योजना है उसमें करीबन जो है 50 लाख से 15 करोड़ रुपए तक का SC ST के बच्चों को लोन दिया जाता है, और उसमें से जो है 136 करोड़ के 36 प्रपोजल मंजूर भी हो चुके हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है कि कुछ किया नहीं जाता। मतलब सिर्फ यही होता है सब लोग साथ में मिलकर बैठ कर चर्चाएं, सब लोग बाकी जातियों के लोगों को लेकर जाते हैं। आप ऐसा कीजिए ना, वहाँ के लोगों को इकट्ठा कीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो उस गाँव के लोग हैं तो इस तरह की बातें नजर नहीं आती। क्या आपको उम्मीदें हैं इनेलो से कि टिकट जब बांटी जाएंगी तब उस तरह की बातें नजर नहीं आएंगी जिस तरह के चुनावी परिणाम जब आए थे 99 में? देखिए इंटरनेशनल, अशोक चिरवाल जी सर आपसे सवाल लेंगे, सरन साहब बोलिए, नरेश जी आप हैं फोन लाइन पर? जी। क्या आपको लगता है कि टिकट जब बांटी जाएंगी तब इस तरह का जो दम भरा जा रहा है इनेलो की ओर से वो बातें नजर आएंगी? देखिए वो समय आने पे बिल्कुल सर्व समाज को हिस्सेदारी दी जाएगी, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब हो, अकलित हो, सर्व समाज को हिस्सेदारी दी जाएगी जी। और माननीय कांशीराम जी तो कहते थे जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी इसकी हिस्सेदारी। जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं दलितों की आज दशा क्या है, जो तमाम पार्टियां हैं वो दलित हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन आज भी सच्चाई यही है कि दलित पिछड़े हुए हैं और आज भी दलित जो है अपना रोना रोते हैं पार्टियों के नेताओं के सामने, लेकिन फिर भी सुनवाई तक नहीं हो पाती है, उनका ही ये आरोप रहता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीलम जी सवाल मैंने ब्रेक से पहले ही बता दिया था, ब्रेक से पहले आपने कहा बहुत शुरुआती जवाब में कि दलितों के घर जाने से बीजेपी के नेता पवित्र हो जाते हैं, या बाकी जातियों के घर जाकर पवित्र हो जाते हैं, पवित्र नहीं रहते? जी ज्योति जी, मैंने जैसे मैंने कहा ना, हम इस तरह के भोज का नाम ही हमने समरसता भोज है, ये सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे थ्रू आउट इंडिया चलता है और हमेशा से चलता रहा, ऐसा भी नहीं कि अभी है, पहली बात। दूसरा एक ही जो है जैसे घुमंतु जाती है, पहले इनको कोई पूछता भी नहीं था, हमने इसके लिए अलग से आयोग बनाया, एक अलग से सफाई आयोग बनाया, क्योंकि कुछ लोग जो थे वो हमेशा से बाकी सारी सरकारों ने उन्हें दबा के रखा, किसी ने कोई फिक्र भी नहीं करी। और उसके बाद जो है अभी जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई थी उसमें फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो रिविजन पिटीशन डाली है कि जितने भी चेंजेस किए गए हैं वो हरियाणा सरकार अलग से अदालत में जाती है, क्या डर जाती है आप लोग जब जब दलित वोट बैंक की बात आती है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, दलित वर्ग ने हमारा हमेशा इलेक्शन में साथ दिया, 2014 में भी और अभी जो नॉर्थ ईस्ट में भी। आप एक बात सोचिए ना, जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं हमारी सरकार उनके अगेंस्ट कैसे कभी जा सकती है? हम तो हमेशा उनके साथ ये मानेंगे ना कि दलित कहीं ना कहीं आपसे नाराज है, नहीं कतई नहीं है, हमने उनके नाम से भीम ऐप स्टार्ट की है और अंबेडकर जी का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक इंस्टीट्यूट। सवाल वही आता है घूम फिर के, आप ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी कि आप दलितों के घर जा रहे हैं? मैडम सुनिए, एक मिनट उकलाना की बात करता हूं, वहां पर जिस तरह से कहा जाता है कि एक दलित के घर में 25 जो है बीजेपी नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, वहां 50 पहुंच जाते हैं मैडम, और वहां पर मजबूरन जो है बाहर से शाही पनीर मंगवाई जाती है, वो भी दलित परिवार की ओर से। आप ये देखिए कि वो अपने दिन का गुजारा चला गया बाहर वाले घर के अंदर, आप देखो ना, इसका जवाब दीजिए। एक मिनट,
जो जो भोज है वो ये दलित भी हमारे कार्यकर्ता ही होते हैं, ऐसा नहीं है जो हमारे कार्यकर्ता कभी आप जुड़ कर समरसता के लिए जाते हैं, कभी आप ये कह देते हैं हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता आप जाते शाही भोज के लिए जाते हैं। सुनिए सुनिए, आप शाही भोज के लिए जाते हैं या फिर दलितों की जो स्थिति है उसी में शामिल होने के लिए जाते हैं उनके साथ? मैंने कहा ना जो भोज का समय होता है वाटर वाटर चलवाते हैं अशोक केवल जी बोलिए। देखिए ज्योति जी, जहां तक दलितों का आज सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ये, केवल और केवल आज भारतीय जनता पार्टी को जिस कदर ये जो आज दलित प्रेम जागा है, हम हमेशा से देखिए प्लीज मेरी बात पूरी कीजिए। 2 अप्रैल को जिस कदर पूरे देश के अंदर दलित वर्ग जागा था, ये सोए हुए दलित को, सोए हुए शेर को जगाने का काम यदि किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पार्टी को दलित शेर कब से लगने लगा? गठबंधन की यात्रा कर दलित शेर है केवल इस्तेमाल किया कांग्रेस ने भी, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं देखिए बहुमतों से अटॉर्नी जनरल केस नहीं प्लीड करता तो सुप्रीम कोर्ट वन तरफा केस सुना, डिसीजन सुना देता है। रिजर्वेशन खत्म करने की बात बीजेपी करती है, कोई रिजर्वेशन नहीं करती है। आज अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हम दलितों की हितैषी है, 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 53% जो सीटें हैं वो एससी एसटी ओबीसी की खाली पड़ी है, क्यों नहीं भरते? इन्होंने कहा हरियाणा में बैकलॉग बने, कभी आप 2019 में कभी नहीं भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी दलित है, भारतीय जनता पार्टी समिति का नहीं कर सकती। हमारे पास सबसे ज्यादा दलित की सीट है, तो हमें दलित के साथ रहना है। अशोक शेरवाल जी, शर्मा जी, ऐसी बोलेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इनका चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो चुका है। कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसले सुनवाते हैं किसी के जी है। नरेश जी रुकिए, नीलम जी आएंगे आपके पास। सारण जी, आपको नहीं लगता कि वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है और जो अगुवाई करते हैं वो आप लोग करते हैं? इनेलो अब आपके वोट बैंक का इस्तेमाल करने के लिए गठबंधन कर रही है, जो कि बीजेपी और साथ ही कांग्रेस के आरोप है। देखिए ये जो हमारा गठबंधन हुआ है ये बिल्कुल ओरिजिनल गठबंधन है। दलित का, पिछड़े का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है सबसे जुल्म बढ़े हैं, अत्याचार बढ़े हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, और सबसे ज्यादा अगर जुल्म होते हैं तो दलित लोगों पे होते हैं, उनकी बेटियों पे होते हैं, दलितों से बलात्कार होते हैं, गैंगरेप होते हैं, तो कहां चले जाते हैं ये बीजेपी के लोग? और यही हाल कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में भी यही, कभी ने चिंता ही नहीं की दलित की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ क्राइम है, आपकी सरकार है। राजस्थान में दूसरे नंबर पर क्राइम है और चौथे नंबर पर गोवा है। पिछले 4 राज्यों में 3 राज्य आपके शासित राज्य है जहाँ बीजेपी की सरकार है और दलितों के खिलाफ जो क्राइम है वो चरम पर है। जी पहले बताइए जी, हमारी 23 राज्यों में सरकार है, सिर्फ ये 3 या 4 ही नहीं, पहले 4 दलितों के खिलाफ जहाँ क्राइम है उसके हिसाब से आपके ही राज्य तोड़ी जाती है जी, उन्हीं के नाम से हमने सेंटर बनवाया है और उन्हीं के नाम से भीम ऐप भी बनी हुई है। 4 राज्यों की नहीं है, ज्यादातर आपके ही राज्य है जी, तो वही मैं कह रही हूँ, पहले 4 राज्यों को मैंने जिक्र किया। तो अभी, अभी, अभी जैसे 23 अप्रैल को जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसमें आप देखें ना कितने सख्त प्रोविजंस किए गए हैं जो महिलाओं के प्रति अत्याचार होते हैं, 2 महीने के अंदर अंदर केस निपटाए जाएंगे और 6 महीने अपील से ज्यादा समय नहीं लगेगा, और उसी के बेस पर ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए वो कितनी अच्छी है, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे और स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे जिनकी जो 3 शर्मा जी आएंगे। एससी एसटी एक्ट का जिक्र हुआ है,
उसको लेकर ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आपने पैरवी की है वो ढीली की है। नहीं नहीं कतई ढीली, ये आपके नेता ने कहा है। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसी पर्टिकुलर केस में, अगर उसका पेज नंबर 33 एंड 34 पढ़े तो उसमें हमारे जो एफिडेविट मेंशन हुआ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हम इस एक्ट में किसी भी तरह का डाइल्यूशन नहीं चाहते हैं, किसी भी तरह की जो क्योंकि 2000 मेरी बात सुने, आप वो जजमेंट पढ़ के देखें और जजमेंट पढ़ के देखें उसका पेज नंबर 33 एंड 34 पढ़ के देखें। आप बताइए, आप लोग भी ये डिनर डिप्लोमेसी करते रहे या फिर नहीं, जल्दी बोलिए, करते रहे आप लोग। राहुल गांधी गांधी परिवार का हमेशा ये करते रहा है कि उन्होंने हमेशा दलित का मान सम्मान किया है, दलित के घर में भी गई है, दलित को अपने घर में बुलाया है। नीलम जी, शेरवाल जी, आप सुनेंगे, घरे रखेंगे आप। शर्मा जी ये बताइए, आप लोग एक और डिनर करते रहे, दूसरी ओर एनसीआरबी के जो आंकड़े आते रहे हर साल, साल दर साल उनमें बढ़ोतरी होती रही, कांग्रेस ने क्या किया? राहुल गांधी जी हमेशा दलित के हितैषी रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हितैषी रही है, गांधी परिवार हितैषी रहा है। मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री थे तब उस देश की जो स्पीकर थी वो दलित समाज से थी। हरियाणा में जो हमारे कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक तंवर जी, वो दलित समाज से हैं। क्या उसे और हरियाणा में हमेशा कोई गिरावट आई? क्या उससे क्राइम कम हो गया? दलित आज 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 पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में दलित समाज कांग्रेस के साथ है और हिंदुस्तान में सरकार बनी हमारी। आप कैसे कह सकते हैं ये जितने भी आरोप बिल्कुल गलत है? अगर प्रतिनिधित्व देना है तो आप जो दूसरे राज्य आप उनमें क्यों देते? आप हरियाणा पंजाब की आपने जिक्र किया, हमने अध्यक्ष बना दिया, जो मुख्य धारा है वहां क्यों नहीं? सुशील कुमार सिंधे जी को होम मिनिस्टर बना कांग्रेस सरकार ने, आप कुछ समय के लिए क्यों मनाते हो? आप उसको 5 साल के लिए क्यों नहीं देते? आप प्रधानमंत्री के लिए किसी SC ST माननीय प्रधानमंत्री जी का है, किस नेता से, किस मंत्री से, किस प्रोटोकॉल में काम लेना है वो उनका बनता है। जहां तक शर्मा जी की बात है, हम प्रतिनिधि देते हैं, ये दलितों का चेहरा तो जरूर दिखाएंगे लेकिन उनको नेता नहीं मानेंगे। आज तंवर जी के बारे में बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं सम्मान्य है, प्रदेश अध्यक्ष है, आदरणीय अध्यक्ष है हमारे कांग्रेस पार्टी के, मैंने मैं कौन सा गलत उनकी अगुवाई में रहती हूँ, आप नेता नहीं मानेंगे। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने आज तक उनको नेता मानने की आज तक उन्होंने जैन अब तक भी उनकी गर्दन तोड़ दी जाती है, उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, तब आप कहते हैं उनका दलित प्रेम कहां जाता है? शरारती तत्व बीच में है, शरारती तत्व देगी क्या? भूपेंद्र हुड्डा जी शरारती तत्व है? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नाम लिया, उन्होंने नाम लिया कि मेरे पर अटैक किया, कराया गया, उनके पीएसओ को नामजद किया गया था, सबको जानकारी है। शर्मा जी कम से कम बरगलाइए मत, जो बात है वो मत बोलिए, बिल्कुल बोला था कि मेरे पर अटैक किया गया, हमारी पार्टी का कंडन मत रहा है, नामजद चेहरा जरूर दिखाएंगे, सरकार नहीं होता नहीं मानेंगे। कुमारी सेजा जी इस्तेमाल किया जाता है, सेजा जी का बयान आता है कांग्रेस सरकार में जब मंत्री की जब किसी मंदिर में गई तो उसको धो दिया गया, ये कहां का उसका बताइए बताइए शर्मा जी, कितनी बड़ी दिक्कतें हैं। शर्मा जी जवाब दीजिए, सामाजिक न्याय आपके राज में हुआ आज मैं कहता हूँ आज दलित घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको घोड़ी से उतार करके मारा जाता है, पीटा जाता है। प्रदेश सरकार में दलित साल हो चुका है, आज प्रदेश सरकार में परसों की घटना है, आज एक दलित सरपंच होने के बावजूद भी आप सभी बोले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अशोक तंवर के जो आरोप है, सुनिए शर्मा जी, आपको समय दिया सर, अभी सुनिए, सवाल सुनेंगे। नीलम जी आपसे सवाल ये है, जो कि अशोक तंवर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जानबूझकर एक तो SC ST जो एक्ट है उसको कमजोर करते हैं, दूसरी जो बात कल उनकी ओर से कही गई कि किसी भी थाने की बात कर ली जाए, किसी भी चौकी की बात कर ली जाए, SHO, DSP, SP, DIG, IG जैसे पदों पर जानबूझकर दलितों को नहीं रखा जाता है, जिसके चलते ये क्राइम बढ़ते हैं, या फिर सरकार पर आरोप है, जवाब दीजिए जी। पहली बात तो ये, एक मिनट प्लीज, ज्यादा समय नहीं लूंगी। पहली बात तो ये, आप थोड़ा सा याद करें, 2015 से पहले जो SC ST एक्ट जब लागू होता था सिर्फ दो केसेस में होता था, मर्डर में या फिर रेप जैसे केसेस में, तो 2015 में इसमें काफी सारी अमेंडमेंट की गई, जिससे कि जो जैसे इवन किसी के लिए अपशब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं तब भी SC ST उसके लिए लागू था, और उसके लिए जो कंपनसेशन की अमाउंट बढ़ाई गई, जो विटनेस है उनके लिए प्रोटेक्शन बढ़ाई गई, तो बहुत तरह के SC ST एक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया, इवन उसमें नॉन मेलेबल उसमें। फिर अभी जैसे डायरेक्शंस में जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उसमें उसने कुछ बदलाव किया, तो हमने फिर से इमीडिएटली उसमें पिटीशन फाइल की कि जो SC ST है उसमें हम डाइल्यूशन कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो पहले की तरह ही मजबूत होना चाहिए। तो जहां तक SC ST एक्ट है वो पहले की तरह ही मजबूत है, उसमें जो भी
कमी है वो रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट से पहले के डेट से वो वैसा का वैसा ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो एससी एसटी एक्ट को स्ट्रॉन्ग तो हम ही ने बनाया ना, तो हम उनके राइट्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मना कर चुकी है, आप अध्यादेश लेके आइए ना। चलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अप्रैल की बात कर ले, ये शाही भोज किए जा रही है, ये डिनर किए जा रही है, डिनर डिप्लोमेसी जा रही है, लेकिन 28 अप्रैल 2018 को यमुना नगर के करहेड़ा गांव में इंटरकास्ट मैरिज की जाती है, जिसमें दलित लड़का है जमकर पिटाई की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। साथ ही 22 अप्रैल का मामला है, मेवात के नगीना गांव में दबंगों ने दलित परिवार के घर जमकर तोड़फोड़ की है, जो कि आरोप है। कथित तौर पर 24 अप्रैल को एक दलित बुजुर्ग महिला को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। बहुत सारे मामले हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। वर्जित क्या लगता है, कभी अंकुश लगेगा इस तरह के मामलों पर? देखिए, अभी आपने फील्ड रिपोर्ट की बात की थी, जो पुलिस में 9 जिलों में कोई भी एसएचओ एससी एसटी का नहीं है। हिसार में हांसी में एक घटना हुई थी, एक महिला को इसलिए पीटा गया था कि किसी ने बोला कि वो एससी है और वो चोरी कर रही है। इतनी बुरी तरह से पीटा कि आप देख भी नहीं सकते। तो ये केंद्र या राज्य की जो सरकारें हैं, जो बोलती है कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, तो क्यों नहीं करती हैं? 434 चीफ सेक्रेटरी है, उनमें से एससी एसटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0 है। 4 ओबीसी के है। कांग्रेस सरकार कहती है हम राज करते हैं, बीजेपी कहती है हम राज के 70 साल है, हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते? क्यों हमें आप एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करते? आप सिर्फ दलित दलिया ही करोगे क्या? अभी आपने कहा कि पनीर खाएंगे, अरे हमें तो आप गांव में जाके देखिए, उनको चटनी भी मुश्किल से नसीब होती है, आप बात करते हैं पनीर की। ये सिर्फ एक छलावा है। जो वोट बैंक की बात करते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत बुरी है। बीजेपी उससे वाकिफ नहीं है और वो नहीं चाहती कि जो दलित है उनका हितैषी बने। जिस पार्टी के साथ आप लोगों ने गठबंधन किया है, क्या वाकई लगता है वो पार्टी दलितों की हितैषी पार्टी है? देखिए, जो इंडियन नेशनल लोकदल है और बहुजन समाज पार्टी है, ये विचारधारा का गठबंधन है। किसान, दलित, पिछड़ा, गरीब, मजदूर एक जैसी समस्या है। और आज जो सरकार है वो किसानों का दमन करने पर लगी है, कर्मचारियों का दमन कर रही है, दलितों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। हरियाणा में कानून का राज नहीं है, हरियाणा में शेड्यूल कास्ट के लोग सुरक्षित नहीं है आज। लेकिन साहब, मामला आपके उत्तर प्रदेश की सरकार के उसके उदाहरण दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार के आप पर आरोप लगे थे। जब और ये भी कहा जाता है कि जो आपकी पार्टी के दलित नेता हैं, जब वो मायावती के खिलाफ आवाज उठाते थे, उसके बाद क्या हासिल होता था उनका? आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपने सवाल सुना कि नहीं सुना सारण साहब? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अमित शाह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही? मेरा सवाल आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जी बताओ। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगे, आपके ही जो पार्टी के दलित नेता थे उन्होंने मायावती के खिलाफ जो है बड़े बड़े आरोप लगाए गए, ये आरोप भी लगे कि मायावती के खिलाफ आरोप लगाए गए तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया, दे दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, वो आरोप बिल्कुल निराधार है। बहन कुमारी मायावती जी पाक और साफ नेता है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय जगह 4-4 बार मुख्यमंत्री पर आप तो हरियाणा में आप जीतना चाहते हैं? बिल्कुल, हम जीतेंगे। हरियाणा में गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिखा दिया है कि दो लोकसभा फूलपुर और लोकसभा गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया बहुजन समाज पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन सर, यहाँ पर किन 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 पॉइंट्स पर आप जीत पाएंगे? क्या क्या आपकी नीतियां हैं दलितों को लेकर, ये जान लीजिए। देखिए, दलित समाज एकजुट है। नहीं, नीतियां क्या आपकी सर? पिछड़ा भी आप क्या सोचकर चुनाव में उतरेंगे दलितों को लेकर खासकर? देखिए, दलितों का सुरक्षा का मामला है, दलितों की बहन बेटियों की सुरक्षा मामला है, किसान का मामला है, पिछड़े का मामला है, अगड़े का मामला है, तमाम सर्व समाज की सुरक्षा करेंगे हम लोग। सरकार आएगी हमारी, गठबंधन की सरकार आएगी। यूपी में कितनी सुरक्षा दी गई जब मायावती सीएम होती थी? क्या किसी से छुपी गई? यूपी में सुरक्षा दी गई। आपको बहुत सारा मायावती के समय के आंकड़े उठाओ, बहुत सारा समय दिया, और कांग्रेस के राज के आंकड़े उठाओ और भारतीय जनता पार्टी के सारे आंकड़े देखे हैं सर। आंकड़े लेकर ही बैठते हैं हम चर्चा में। राकेश शर्मा जी, अभी उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनेगी, ये जो गठबंधन है INLD और BSP का टोटली बेमेल गठबंधन है, और इन्होंने एक कोशिश की है कि हम मिलके शायद
सरकार बनाने की कोशिश करें, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा हरियाणा का जो दलित है कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय अशोक तंवर जी के साथ अशोक तंवर के साथ नहीं, दलित आपके साथ हो गई है। अभी अभी राहुल गांधी अपने समय आप क्यों भूल जाते हैं, मीरपुर कांड को आप क्यों भूल जाते हैं, कितने कांड ही, मैं कहता आपका जो SC ST आयोग ने ये कहा, यह तक कहा। चलिए सभी का शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो चर्चा चर्चा हमने की कि दलित याद आ जाते हैं, दलितों का दरवाजा याद आ जाता है, टिकट कर लिया जाता है जब चुनाव करीब होते हैं। बिल्कुल, चुनाव करीब होते हैं तभी जो है नेता लोग जो है दलितों के घर जाते हैं या वोट बैंक के लिए वहां पर पहुंचते हैं, खाना खाकर वापस आ जाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम दलित हितैषी हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।